हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जय पांडे। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th और 12th के लिए पढ़ने वाले हैं ग्रामर। तो मैंने ग्रामर में टेंस की शुरुआत कर दी है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में पढ़ाया है। तो आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट या फिर हम कह सकते हैं सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव पढ़ चुके थे। तो अब हम इसके आगे यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव से शुरू करेंगे। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि वो वाक्य जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। वैसे तो इंट्रोगेटिव में सारे सभी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो भी प्रश्न पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव में ही आता है। लेकिन उसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने उसको कुछ पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाले पार्ट में मैंने ये बताया आपको कि जो भी अगर वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी वॉट नहीं लिखेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या उसी में कवर हो जाएगा, यानी कि अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो उस वक्त हम उसकी इंग्लिश पहले उसकी इंग्लिश वॉट नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लगा देते हैं। तो बस इंट्रोगेटिव का मतलब यही होता है। और बस ये निगेटिव है, तो यानी कि क्या शब्द पहले आएगा और बीच में आ जाएगा नहीं शब्द, यानी कि नॉट। तो हम इसके रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स बहुत ही ईजी हैं, यानी कि सभी कर्ता यानी कि एक वचन या बहुवचन कुछ भी हो, यानी ही, शी, इट, दिस, दैट, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, नेम या फिर नेम्स, तो इन सभी के साथ हमें डिड का यूज़ करना है। और उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यानी कि इसमें हमें अगर गो लिखना है तो उसको हम गो ही लिखेंगे, उसका हम सेकंड फॉर्म वेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा रूल बहुत सिंपल है कि सभी कर्ताओं के साथ हमें लगाना है डिड और सभी के साथ हमें लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल है। पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, तो चलिए हम इसको छांट लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्या तुम वहां नहीं गए थे। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट का यहाँ पे सेंटेंस है कि क्या तुम वहाँ नहीं गए थे। तो अब हम इसको यहाँ पे छाटेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या जब वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी वॉट नहीं लिखनी होती, बल्कि उसे हमको हेल्पिंग वर्ब के जगह पर ही लिखना होता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जगह पर ही हम लिख देंगे क्या। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे गए थे यानी कि थे भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि वो जिसके बारे में वाक्य में बात होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि अगर हम पूछेंगे कि कौन नहीं गया था तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी कि तुम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में हम लिख देंगे तुम। नॉट की जगह पे हमें लिखना है नहीं। ठीक है, वर्ब यानी कि जो भी काम उसमें हो रहा है, तो इस वाक्य में काम हो रहा है गया यानी कि जाना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वहाँ, इसमें अदर वर्ड नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कुछ और भी होता है जैसे कि कल वहाँ नहीं गए थे तो ऐसा होता तो यहाँ पे अदर वर्ड में वो चीज़ आ जाती, लेकिन इस वाक्य में कोई अदर वर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि एक वचन या बहुवचन सबके साथ हमें लगाना है डिड। ठीक है, तुम की इंग्लिश यानी कि यू, नहीं की जगह लगाना है नॉट, जाना की इंग्लिश गो। हमेशा हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, उसके बाद वहां की इंग्लिश हम यहाँ लिख देंगे देयर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया है कि डिड यू नॉट गो देयर। ठीक है, ये बन गया। अगला सेंटेंस हम देखते हैं कि क्या कल उसने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब में हमें लिखने हैं क्या, और क्या के बाद जैसे हमने लिखा है यहाँ पे खाया लिखा है, तो यहाँ पे वाक्य के अंत में है आ। तो अगर आपको इसका पास्ट का पहचान नहीं पता तो इसके लिए आपको पहले वाला वीडियो जो है देख लेना चाहिए, उसमें मैंने इसके पहचान के बारे में पास्ट को किस तरह पहचाना जाता है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं वो बताए हैं। तो यहाँ पे खाया है तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है आ। सब्जेक्ट जो है क्या कल उसने, तो यहाँ पे जब उसने लिखा हुआ है,
ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे उसने लिखा है, लेकिन हम यहाँ सब्जेक्ट पे उसने लिखेंगे, लेकिन जब हमें पता है कि ये एक सब्जेक्ट है तो बिना किसी कंफ्यूजन के हमें यहाँ पर ही लिखना है, ही या फिर शी हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में फीमेल की बात हो रही है मेल की, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ही या शी लिखना है, ठीक है। नॉट की जगह पे हम यहाँ लिखेंगे नहीं, वर्ब है हमारा खाया यानी कि खाना, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है हमारा खाना, ठीक है, और अदर वर्ड है कल। तो अब कई लोग जो है अब दो दो बार यहाँ पे खाना खाया, तो यहाँ पे खाना खाना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी होती है कि एक ये जो है खाया तो ये हमारा कार्य है जिसको हमें खाना ही लिखना पड़ेगा, तो ये जो है वो एक कार्य है, और ये जो दूसरा है जिसमें हमने खाना लिखा है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है, एक भोजन है जिसे हम खाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो हमें एक वचन या बहुवचन सबके साथ लगाना है, डिड, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि उसने लिखा होता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ही या शी ही लगा देना है, ठीक है। उसके बाद नहीं जगह पे, नहीं की जगह पे हम लिखेंगे नॉट, खाने की इंग्लिश होती है ईट जो कि एक वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि फूड, और कल यानी कि यस्टरडे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस जो यहाँ पे बन चुका है, डिड ही नॉट ईट फूड यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है कि क्या मैं वहाँ नहीं रहता था, ठीक है, इसको भी हम एक बार छांट लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या प्लस ता था, ठीक है, हमें यहाँ पे ता था जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और क्या भी हमारे हेल्पिंग वर्ब के जगह पर ही आएगा क्योंकि क्या पहले है तो हमें उसकी इंग्लिश वॉट नहीं लिखनी है। सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ लिखेंगे मैं, ठीक है, नॉट की जगह पर लिखेंगे नहीं, और वर्ब है हमारा रहना, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है वहां, इसमें कोई भी अदर वर्ड नहीं है। अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, तो हमें यहां लिखना है डिड, उसके बाद आई, नहीं की इंग्लिश नॉट, रहने की इंग्लिश लिव, वहां यानी देर, डिड आई नॉट लिव देर, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस जो है बन गया, इसका एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं, तो बहुत इजी है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि वो सेंटेंस जिसके वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आते हैं और वाक्य में नए शब्द भी आता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। सभी कर्ताओं के साथ डिड लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। इसको लर्न करके आप इसको इजिली ट्रांसलेट कर सकते हो। तब हम अगले सेंटेंस टाइप की तरफ बढ़ेंगे यानी कि क्वेश्चन वर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो वैसे तो है इंट्रोगेटिव का ही एक पार्ट, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया ताकि समझने में काफी ईज हमें होगा, आसानी महसूस होगी, ठीक है। तो इन वाक्यों में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने बजे, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं वाक्य के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या शब्द भी आता है जो कि वाक्यों के बीच में ही आता है, ठीक है। तो अब इसका रूल जो है बिल्कुल पहले की तरह होगा कि सभी कर्ताओं के साथ लगाना है डिड, सदैव लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश जो है वो सबसे पहले लिखी जाएगी, यानी कि अगर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपको लर्न हो तो बस उसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो वो बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है उसको हम बनाते हैं कि तुम क्यों कल वहां गए, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि क्यों जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है तो हम उसको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड में ही लिखेंगे क्यों, और हेल्पिंग वर्ब गए यानी कि ए, सब्जेक्ट यानी तुम यानी जिसकी बात हो रही है, वर्ब यानी जो काम हो रहा है यानी कि गए मतलब कि जाना, ऑब्जेक्ट है वहां, ठीक है, और अदर वर्ड में आ जाता है कल, ठीक है। ये इजीली यहाँ पर छट गया है। अब हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे, क्यों की इंग्लिश यानी कि वाई, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर लगाना है डिड और तुम के लिए लगाएंगे यू, गो और वहां की इंग्लिश देयर, यस्टरडे, ठीक है। तो ये जो है इजीली यहाँ पर बन गया है क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, व्हाई डिड यू गो देयर यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद हम अगला सेंटेंस जो है वो देखेंगे यानी कि उसने विद्यालय में क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या वाला जो सेंटेंस है वो भी मैंने रखा है ताकि आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड में लिखेंगे क्या, किया यानी कि वाक्य के अंत में आएगा आ,
सब्जेक्ट यानी उसने, ठीक है, और क्या किया तो यहाँ पे वर्ब में होगा करना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है विद्यालय में, ठीक है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो छट गया है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्या शब्द वाक्य के बीच में आया था तो यहाँ पे हमने उसकी इंग्लिश हमें लिखना है, यानी कि व्हाट, और यहाँ पर सभी कर्ताओं के साथ हमें डिड लगाना है, और उसने यानी कि वह, तो यहाँ लिखेंगे हम ही, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डू, और विद्यालय में यानी कि इन द स्कूल या कॉलेज, जो भी हम चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इजिली यहाँ पे बन गया, व्हाट डिड ही डू इन द स्कूल, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने तुम्हें कब बुलाया, ठीक है। तो ये जो है हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने तुम्हें कब बुलाया। तो यहाँ पे जो कब है वो है हमारा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब यानी कि आ, सब्जेक्ट यानी मैंने यानी कि मैं, ठीक है। वर्ब में आता है बुलाना, ऑब्जेक्ट है इसका तुम्हें, ठीक है। ये जो है छट गया, अभी हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे। कब की इंग्लिश यानी कि व्हेन, ठीक है। डिड मैंने के लिए लगेगा आई, बुलाने की इंग्लिश कॉल, और तुम्हें की इंग्लिश यू, व्हेन डिड आई कॉल यू। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया है। अब इसका एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। तो बहुत इजी है, क्वेश्चन वर्ड यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है। इनमें इसका रूल बहुत सिंपल है कि सभी कर्ता के साथ हमें लगाना है डिड और लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखी जाती है। उसके बाद आ जाता है इसका स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस टाइप की तरफ, जो है क्वेश्चन वर्ड का ही निगेटिव, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव यानी कि इसके में भी प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब आते हैं, और वाक्य में इसमें नहीं शब्द भी बस जुड़ जाता है। रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं कि सभी कर्ताओं के साथ लगाना है डिड और हमेशा लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस नहीं है, बस हमें नॉट लगाना है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, इसको हम छांटते हैं, यानी कि सुरेश वहाँ क्यों नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों, हेल्पिंग वर्ब गया यानी कि आ, सब्जेक्ट में है हमारा सुरेश, और नॉट की जगह पे हम लिखेंगे नहीं, वर्ब है हमारा गया यानी कि जाना, ऑब्जेक्ट में आएगा वहां। तो ये जो है सेंटेंस हमारा छट गया है, ठीक है। अब इसमें अदर वर्ड नहीं है, यानी कि हमने सब चीज छट लिया है। उसके बाद जो अगला हम करेंगे, इसको ट्रांसलेट यानी क्यों की जगह पे लिखेंगे वाई, हेल्पिंग वर्ब हमें हमेशा लगाना है डिड, उसके बाद हम लिखेंगे सुरेश, उसके बाद नॉट, गो, और वहां की इंग्लिश यानी कि देर। हमें हमेशा इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, यानी कि बन गया हमारा सेंटेंस व्हाई डिड सुरेश नॉट गो देर। उसके बाद जो अगला सेंटेंस मैंने लिखा है वो है कि तुमने क्या नहीं खाया। तो यहाँ पे भी मैंने एक तुमने जो है सेंटेंस वो लिखा है ताकि आपको आगे कोई भी कन्फ्यूजन्स ना हो। तो क्या जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब यानी कि आ, उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट यानी कि तुमने, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट यानी कि नहीं, और वर्ब है हमारा खाया। तो इसमें ना तो ऑब्जेक्ट है और ना ही अदर वर्ड है, खाया यानी कि खाना, ठीक है। तो ये बन गया है, अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या की इंग्लिश होगी व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हमें हमेशा लगाना है डिड, और तुमने यानी कि तुम उसके लिए लिखना है यू, नॉट के जगह पर नहीं, और खाने की इंग्लिश ईट यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमें हमेशा लगाना है, यानी व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू नॉट ईट, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटेंस बन गया है। तो अगला मैंने यहाँ पे एक हु से रिलेटेड यानी कि कौन से रिलेटेड जो है सेंटेंस बनाया है, क्योंकि जब वाक्य में कौन जो है आता है तो काफ़ी लोग जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या इसको बनाएं।
या फिर उसका रूल्स क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक अलग से एक स्ट्रक्चर बना दिया है जिससे आपको बहुत ही इजी फील होगा उसको बनाते वक्त। तो क्योंकि हु है वैसे तो एक क्वेश्चन वर्ड ही है, लेकिन हम इसको इसकी तरह किसे नहीं बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले लगाते हैं हु, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाता है। जी हाँ, जब हम हु लगाते हैं तो वो अफर्मेटिव में ही चला जाता है, ठीक है। तो हमें लगाना होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस है उसको हम बना लेते हैं। तुम्हें किसने बुलाया, तो किसने यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कौन ही, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे हु के जगह पे किसने, ठीक है। तो किसने मैंने लिखा है, इसका मतलब तो हु ही होता है, यानी कि कौन बुलाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है वर्ब, वर्ब यानी कि बुलाया यानी बुलाना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन होता है यानी कि जो कौन होता है, वही हमारे सब्जेक्ट को प्ले करता है। यानी कि अगर यहाँ पे तुम्हें, हमें, ये सब आएगा तो ये सब हमारा ऑब्जेक्ट में ही आएगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हें है वो हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे अदर वर्ड नहीं है, ठीक है। तो किसने यानी कि हु, बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल, क्योंकि हमें पता है हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉल्ड। और तुम्हें की इंग्लिश यानी कि यू, यानी कि हु कॉल्ड यू। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो है कि वहां कौन गया, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कौन, ठीक है। और वर्ब है हमारा गया यानी कि जाना। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट यानी कि वहां, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे, कौन की इंग्लिश यानी हु, जाना यानी कि वेंट होगा, जिसका मतलब इंग्लिश तो होता है गो, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, उसके बाद आता है देर, ठीक है, हु वेंट देर। तो यहाँ पे ये जो है खत्म होता है। एक बार हम यहाँ से इसको क्विक रिविजन कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड निगेटिव, यानी जिन वाक्यों के बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आते हैं, और साथ में नए शब्द भी आता है, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड निगेटिव। सभी कर्ताओं के साथ हमें लगाना है डिड, हमेशा लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम देख लेते हैं हु का। तो हु के लिए हमें हमेशा एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, हु, उसके बाद वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही हमें लगाना है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है वो खत्म होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी नया सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।